एक कोई साहब है जिनका नाम कैन डॉल के नाम से मशहूर है वो साहब। अच्छा। और वो रहते हैं दुबई में। उन्होंने कहा कि इसकी हिम्मत, बड़े सीनियर आदमी है अदनान साहब, उन्होंने शुरू कहा से किया तेरी बहन। अब ये किसको किसको कह रहे हैं बहन, ऐसे बेगैरत लोग हैं ऐसे। जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे रहता हूँ और ट्रैवल करता हूँ दुनिया भर में माशाल्लाह, तो बात ये कि मुझसे एक सवाल हमेशा दुनिया भर के लोग पूछते हैं कि यार पाकिस्तान में आप फेमस होकर एक दूसरे की करेक्टर असैसिनेशन क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग अब बुरा भला कहते रहते हैं। मैं कहता हूँ कि पता नहीं यार, इसका कोई हल नहीं। यहाँ पे कोई आपके ख्वातीन को मक्खी बोल जाता है, उनके लिए आप आवाज़ उठाओ तो उस बंदे को बगैरत बोल दिया जाता है, और आपको कोई एक्टर कह दे कि हाँ जी मुझे इंटरनेशनली काम आया था, आप उसको बुरा बना देते हैं। तो मेरी जान, आपकी इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट रहेगी? वो तो हमें पता कि इस तरह की बड़ी मार्केट में हम किस तरह काम कर रहे हैं, बिकॉज अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ती है एज ए इन्फ्लुएंसर। अब इन्फ्लुएंसर आपकी एज में आपको नहीं पता तो क्या होगा, मुतासर इस शख्सियत को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है जो कि अपनी एक्टिंग उक्टिंग या किसी चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ते, अपने आप अपनी शख्सियत की वजह से जाने जाते हैं, अपने फैक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो अगर आपको मेरे ऊपर कुछ कहना है तो मेरी जान, मेरी तो लाइफ खुली किताब है। आई गो टू पार्टीज, आई डू दिस, आई डू दैट, आई शेयर एवरीथिंग ऑनेस्टली। कुछ भी है ना, छुप के नहीं कर रहा, सबको सारा पता है, ठीक है ना? तो अपने आप को सीधा करें, फिर आप दूसरी आवाम को सीधा करना मेरे जान। वो कहते हैं ना, एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है मियां मोहम्मद बख्श साहब की, वो फरमाते हैं कि शीश महल कुत्ता वड़िया उसनों कुछ समझ ना आवे, जेड़े पासे देखता जावे उसनों कुत्ता ही नजर आवे। इंसान जिस खसलत का होता है ना, उसे तमाम लोग अपने जैसे नजर आते हैं। जिस तरह मुझे ये दुनिया बहुत पॉजिटिव नज़र आती है, मुझे बहुत नज़र आता है कि हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, तभी मैं हर हफ्ते ट्रैवल करता हूँ टू मेक श्योर कि मेरे पाकिस्तान के ब्रांड्स प्रमोट हो, मेरे पाकिस्तान का इमेज प्रमोट हो। यू नो, ये डिफरेंस होता है। होप आपको समझ आई होगी। पीस आउट एंड फेस ऑफ।